आजकल की नारी समाज किसी से कम नहीं है। वह कहती है, मैं अंधकार का विनाश हूँ, मैं रूप सफल प्रकाश हूँ। मैं अंधकार का विनाश हूँ, मैं रूप सफल प्रकाश हूँ। मैं पायल की झंकार हूँ, मैं तलवार की टंकार हूँ। मैं पायल की झंकार हूँ, मैं तलवार की टंकार हूँ। मैं सौम्य रूप हूँ दुर्गा का, मैं सौम्य रूप हूँ दुर्गा का। मैं रणचंडी का अवतार हूँ, ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, तू देख मुझे, मैं नारी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माता के नौ रूपों का रहस्य क्या है और किस तरह से ये महिलाओं के जीवन पर प्रभाव डालती है, उनके जीवन के हर पड़ाव पर प्रभाव डालती है। अगर महिलाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्य को पूरा करना है, तो माँ के जीवन के रहस्य और स्तुति से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि लाइफ में सक्सेस मिल सके, जिसकी मदद से वो केवल कैरियर में ही नहीं बल्कि हर काम में सफलता पा सकती है। देवी दुर्गा को शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके रूप से कई बातों को समझकर लाइफ में सफलता पाने की सीख ली जा सकती है। पहली सीख, महिलाओं को अपने गुणों में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। वो अपने रूप और सौंदर्य के साथ ही शक्ति का भी प्रतीक है। महिला को अपने अंदर दोनों गुणों के होने पर उसे बैलेंस बनाकर चलने की सीख देती है। रिश्तों का महत्व सिखाती है। माँ दुर्गा का रूप अपने दोनों बेटों भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ बेहद आत्मीय है। इससे सीख मिलती है कि महिला को अपने जीवन में रिश्तों का पूरे भाव के साथ निभाना चाहिए। मातृत्व भाव के साथ रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए। माँ दुर्गा के रूप को देखा जाए तो उनके हर हाथ में एक हथियार है, जो ये बताने के लिए है कि उनकी शक्ति अपार है। शक्ति के प्रतीक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। महिलाओं को माँ दुर्गा के रूप से सीख लेनी चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को जरूर पहचानना चाहिए, जिसकी मदद से हर काम को करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है और उस काम में सफलता भी मिलती है। माँ दुर्गा राक्षस महिषासुर को हराकर विजय प्राप्त करती है। उनकी स्तुति से सीख ली जा सकती है कि जीवन में आ रही चुनौतियों से बचकर भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। महिलाओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह शक्ति स्वरूपा है। वह हर बुराइयों का, हर परेशानियों का डटकर सामना कर सकती है। जहाँ एक तरफ वह महागौरी का रूप है, वहाँ दूसरी तरफ वह महाकाल रात्रि का भी रूप है। जो दुनिया को रच सकती है, संसार को रच सकती है, वह धर्म की स्थापना के लिए संसार का विनाश भी कर सकती है।